हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आईपीएल का अर्थशास्त्र। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीएल की टीमें कैसे बनती है और इनकी ब्रांड वैल्यू कैसे तय होती है और जो आईपीएल की जो टीमें होती हैं उनको कहां से पैसा कमाती हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल में कुल 10 टीमें हिस्सा लेती हैं। तो हिस्सा लेने वाली 10 टीमों में से एक चैंपियन को 20 करोड़ रुपए का प्राइज मिलता है और प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीन और जो टीमें होती हैं उनको भी कैश प्राइज दिया जाता है। मगर बाकी 6 टीमें खाली लौट नहीं जाती हैं, बल्कि उनको आईपीएल में हिस्सा लेने वाली जो टीमों के लिए प्राइज मनी तो कमाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आईपीएल की ये टीमें कैसे बनती हैं और एक टीम ओनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईपीएल की टीमें कैसे बनती हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आईपीएल की टीमें कैसे बनती हैं, तो जो बीसीसीआई तय करती है कि कब टीम जोड़नी है, टीम की ओनरशिप का फैसला ऑक्शन के जरिए होता है। मगर इस ऑक्शन में हर कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। इस ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए जो ग्रुप है या जो टीम की जो कोई ग्रुप है या कोई व्यक्ति है उसकी 3,000 करोड़ की वैल्यूएशन होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त यही होती है कि यदि कोई ग्रुप किसी टीम को ख़रीदना चाहता है या किसी टीम का ओनरशिप पाना चाहता है तो उस ग्रुप की वैल्यूएशन होनी चाहिए 3,000 करोड़ रुपये। और जो टोटल टीमें हैं, मतलब 2008 में कुल 8 टीमें थी, लेकिन 2022 से इसमें कुल 10 टीमें हिस्सा लेती हैं हर साल। और बीच में राजस्थान और चेन्नई की टीमों पर बैन लगने पर बीसीसीआई ने पुणे और कोची की टीमों शुरू की थी। इसका मतलब हुआ कि बीच में राजस्थान और कोची चेन्नई की जो टीमें थी उन पर बैन लग गया था और उसके बाद में बीसीसीआई ने पुणे और कोची की नई टीमों की शुरुआत की, लेकिन बाद में ये जो पुणे और कोची की टीम थी इनको भी ख़त्म कर दिया गया। मगर बाद में ये टीमें यानी कि राजस्थान और चेन्नई लीग में वापस आ गई। तो इस प्रकार से टीमों की संख्या कुल 8 ही रही। मगर 2021 में दो नई टीमों का ऐलान किया गया। वो दो नई टीमें कौन सी थी, एक थी गुजरात के नाम पर और एक थी लखनऊ के नाम पर। मतलब गुजरात और लखनऊ के नाम पर भी दो नई टीमों को शुरू किया गया। और जो गुजरात की टीम को ख़रीदा सीबीसी कैपिटल ग्रुप ने ख़रीदा था। तो गुजरात का जो नाम है वो है गुजरात कैपिटल, और जो लखनऊ की जो टीम थी उसे ख़रीदा था आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने। तो और इन्हीं टीमों दो नई टीमों की शुरुआत हुई थी। अब हम इन टीमों की ब्रांड वैल्यूएशन देखते हैं। इस एक ग्राफ के द्वारा, इस चार्ट के द्वारा हम जानेंगे कि कितने में और कब खरीदी गई आईपीएल की टीमें। तो सबसे पहले सनराइज़र्स हैदराबाद की हम बात करें तो इसकी फ्रेंचाइजी टीम का प्राइस 425 करोड़ रुपए और ये साल 2023 में खरीदी गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स को 2008 में ख़रीदा गया था। इसी प्रकार कोलकाता नाइट राइडर्स को 2008 में, और ये जो पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस, इन सभी को 2008 में ही ख़रीदा गया था जब आईपीएल का पहला टूर्नामेंट खेला गया था। लेकिन गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, इन टीमों को 2022 में शुरू किया गया। तो इनकी जो फ्रेंचाइजी फीस थी वो थी गुजरात टाइटंस की थी 5600 करोड़ और लखनऊ जायंट्स की थी 7090 करोड़, और इन्हें 2022 में इन्हें बनाया गया था। तो ये एक चार्ट था जिसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे डेक्कन चार्जर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेक्कन चार्जर्स। तो डेक्कन चार्जर्स है, इसे हैदराबाद के नाम पर बनी टीम डेक्कन चार्जर्स की हालत ख़राब हो गई थी। इसका मतलब हुआ कि हैदराबाद के नाम पर एक टीम बनाई गई थी डेक्कन चार्जर्स, लेकिन इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। इस टीम में एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि खर्च ज़्यादा था, मुनाफा कम था और प्लेयर्स को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसके बाद फिर बीसीसीआई ने दोबारा नीलामी की और फिर सनराइज़र्स हैदराबाद के रूप में एक नई टीम बनकर उभरी और ये 450 करोड़ रुपए के रूप में एक नई टीम बनकर सामने आई। अभी हमने इसमें देखा था कि जो सनराइज़र्स हैदराबाद है वो 2013 में बनी थी, तो ये डेक्कन चार्जर्स के बाद एक नई टीम, उसी को फिर से बनाया गया सनराइज़र्स हैदराबाद सनराइज़र्स। अब इसके बाद हम देखेंगे सबसे सफल टीम कौन सी है। तो सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस।
सबसे जो सफल टीम है वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की क्यों है, क्योंकि 5 बार आईपीएल का टाइटल जीत चुकी मुंबई इंडियंस इस लीग की सबसे सफल फ्रेंचाइजी है। यही वजह है कि टीम की ब्रांड वैल्यू भी 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। दरअसल किसी भी टीम की जो ब्रांड वैल्यू होती है, ब्रांड वैल्यू के बढ़ने का जो पैमाना, यहाँ उसका लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करना है। यही कारण है कि 2023 में मुंबई के बाद अब ब्रांड वैल्यू में दूसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स, यानी चेन्नई की जो टीम है वो दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर आती है जो मुंबई इंडियंस टीम है वो। इसे भी हम एक ग्राफ के द्वारा, मतलब इसके इसे हम एक चार्ट के द्वारा समझें तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी जो टीम होती है, जो 10 टीमें हैं उनकी ब्रांड वैल्यू क्या है। जैसे मुंबई इंडियंस है तो मुंबई इंडियंस की 10,000 करोड़ हम देख चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स है तो इसकी ब्रांड वैल्यू है 9,315। इसी प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर्स की है 8,900 करोड़ रुपए, लखनऊ सुपर जायंट्स की 8,748। इसी प्रकार दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की, इन सब की कंपनी की ब्रांड वैल्यू है। अब हम जानेंगे कि जो आईपीएल की टीमें होती हैं वो कहाँ से पैसा कमाती हैं। तो आईपीएल की जो टीमें होती हैं वो 5 प्रकार से पैसा कमा सकती हैं। इन मतलब आईपीएल के दौरान 5 तरीकों से फ्रेंचाइजी पैसा कमाती है या 5 प्रकार से ये टीमें कमाती हैं। एक हो गया 70 से 80% होता है सेंट्रल पूल, इसे इन हम 5 पॉइंटों को भी एक एक करके डिस्क्राइब से जानेंगे। जिनमें से 18 से 20% टीमें कमाती स्पॉन्सरशिप से, 5 से 10% टिकट सेल से, 5% मर्चेडाइज सेल से और 5% पैसा कमाती हैं प्राइज मनी से। तो ये एक ओवरव्यू, एक परसेंटेज है कि टीमें कहाँ से पैसा कमाती हैं। अब हम इसमें जानेंगे इसमें हम सेंट्रल पूल क्या होता है। तो सेंट्रल पूल यानी आईपीएल के मीडिया राइट्स, टाइटल और स्पॉन्सरशिप और अन्य स्पॉन्सरशिप से होने वाली कमाई, ये होता है सेंट्रल पूल। और इस कमाई का जो 50% होता है वो बीसीसीआई के पास देना होता है। मतलब जो इस सेंट्रल पूल से जो भी पैसा आएगा उसका 50% बीसीसीआई के पास जाएगा। और इस और बचे हुए हिस्सों में से 45 से 50 करोड़ रुपए प्राइज मनी के रूप में जाता है जो सेंट्रल पूल से जो पैसा कमाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में जैसे स्पॉन्सरशिप होता है कि जब आप आईपीएल देख रहे होते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र किस पर पड़ती है, तो प्लेयर की जर्सी पर लगे जो बड़े बड़े लोगो होते हैं, जो बड़े बड़े टैग होते हैं, हम सभी उन्हीं को देखते हैं। तो एक जर्सी पर 10 स्पॉट स्पॉन्सर को बेच सकती है ये टीम। एक और टर्म्स होता है प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप। तो प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप क्या होता है, तो प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप होता है कि जर्सी की जो किसी टीम की जर्सी पर जो फ्रंट पर जिस भी कंपनी का लोगो होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्पॉन्सर। जैसे इसको हम एक उसके द्वारा समझें तो जैसे ये है, ये सभी टीमों की जर्सियाँ हैं। तो ये जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स की जो फ्रंट पर होता है वो माई 11 सर्किल का जो टैग होता है। उसी प्रकार से गुजरात टाइटंस के पर एथर का होता है, मुंबई इंडियंस पर स्लाइस का होता है, कतर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उस पर एयरवेज का होता है और जो चेन्नई सुपर किंग्स पर इस पर टीबीएस यूरो ग्रुप का होता है और जो दिल्ली कैपिटल पर जेएसडब्ल्यू का होता है और पंजाब किंग्स पर जो एबेक्स कैश होता है, कोलकाता नाइट राइडर्स पर होता है माइफैब का, राजस्थान रॉयल्स पर एल्यूमिनस का और सनराइजर्स हैदराबाद पर फेन क्रेज का होता है। और जो सीएसके की टीम है यानी कि जो चेन्नई सुपर किंग्स है इस पर टीबीएस ग्रुप का लोगो होता है। तो जो इसमें 3 साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसकी हम एग्जांपल्स के तौर पर देखें स्पॉन्सरशिप के, तो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में टीबीएस ग्रुप को टीम को 100 करोड़ रुपए देने पड़े हैं इस स्पॉन्सरशिप के बदले। और तीसरा पॉइंट होता है टिकट्स के द्वारा भी जो फ्रेंचाइजी होती हैं वो पैसा कमाती हैं। और ये जो टिकट होती हैं वो टीम ही तय करती है कि कितने की कौन सी टिकट होगी। और इसके साथ ही टीम के लोगों वाली जर्सी, कैप, चश्मे और बैग जैसे मर्चेडाइज भी टीमें ही बेचती हैं उनको। अब हम टिकट देखें कि हर टीम की जो टिकट है वो कैसी है, तो उसको भी हम एक ग्राफ के द्वारा देखेंगे, एक चार्ट के द्वारा देखेंगे। तो सबसे महंगी टिकट बेंगलुरु की होती है,
मुंबई इंडियंस की 900 से 9200 रुपये होती है, और चेन्नई सुपर किंग्स की होती है 1500 से 3000 रुपये की टिकट होती है। सबसे महंगी टिकट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, इसकी है 1000 से 30000 के बीच की इनकी टिकट होती है। ये सभी टीमों की टिकट है जिन्हें आप देख सकते हैं, और जो सारे टिकट प्राइस लीग मैच के हैं जो इन टीमों के पर। और नेक्स्ट अब हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो किसी भी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। हम सभी देखते हैं कि जो प्रत्येक टीम होती है 10 टीमों में कुछ विदेशी खिलाड़ी होते हैं, तो उन टीमों में ज़्यादा से ज़्यादा 8 विदेशी खिलाड़ी ही हो सकते हैं एक टीम में। और जो पाकिस्तान की जो टीम, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी होते हैं उनको IPL में के खिलाड़ियों के रूप में लेने पर बैन है। और अब हम बात करें चीयर लीडर्स की, तो चीयर लीडर्स जो होती हैं उनको प्रति मैच 12 से 15 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। और जो चीयर लीडर्स को, चीयर लीडर्स वो होते हैं जैसे ये होते हैं चीयर लीडर्स जो चौका या छक्का लगता है तो ये प्रदर्शन करते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा पेमेंट कोलकाता की टीम करती है। लगभग 24,000 रुपये प्रति मैच चीयर लीडर्स को दिए जाते हैं।